हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको और उसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। हर क्लास में मैं ऐसा ही कर रहा हूं, एक फॉर्मूलेशन बताता हूं आपको, मेकिंग फार्मूला सेंटेंस के, और उसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिस करा के बताता भी हूँ, इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस बना के बताता भी हूँ कि किस तरह से हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए हुए होमवर्क के आंसर। तो ये रहे, अगर आपने बनाया है तो आप चेक कर लो अच्छी तरह से, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं वहाँ पर सुधार लो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू। हैज़ और हैव का इस्तेमाल तो आपने सीख लिया है कि हैज़ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसमें भी हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, बट साथ में टू का भी इस्तेमाल करना है। तो टू का इस्तेमाल कब करना है मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो हैज़ टू एंड हैव टू। ओके फ्रेंड्स, ये हैज़ टू और हैव टू है। अब आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल तो सीख ही गए होंगे कि कहाँ करते हैं उसका इस्तेमाल, बट अभी टू का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जब भी सेंटेंस के अंत में ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होती है, ने होते हैं, अगर ऐसा सेंटेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में रहे, तो आप समझ लेना कि ऐसे सेंटेंस को हम हैज़ टू और हैव टू लगाकर बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें वर्ब का होना ज़रूरी होता है लास्ट में, जिसके साथ हम ना है, नी है, या ना पढ़ता है, जिसमें ना आ रहा है ना, वो ना वर्ब के साथ आना चाहिए, वर्ब यानी क्रिया। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मुझे दवाई खाना है, मुझे दवाई खाना है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे दवाई खाना पड़ता है या मुझे दवाई खाना होता है। ओके फ्रेंड्स, मीन्स ऐसे काम जो मुझे मजबूरी में या जबरन करना पड़ता है, वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूलेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू और हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके फ्रेंड्स, मुझे दवाई खाना है या खाना पड़ता है या खाना होता है, तो आई हैव टू, आई के साथ हैव लगता है, फिर इसमें टू लगाएंगे, आई हैव टू खाना का टेक हो जाएगा, टेक मेडिसिन। ओके फ्रेंड्स, टेक क्योंकि दवाई खाना है, इसलिए कुछ और भोजन करना होता है, यानी रोटी खाना होता है या चावल खाना होता, तो यहाँ पर हम ईट लगाते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, बट दवाई खाने के लिए हम ईट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में वर्ब होना चाहिए और वर्ब के साथ लास्ट में ना होना चाहिए। अब ना के बाद ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना होता है, नी होती है, ने होते हैं, ये इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि मुझे दवाई खाना पड़ता है, मुझे दवाई खाना होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी उसे काम करना है, उसे काम करना है, तो ही हैज़ टू, ही के साथ हैज़ लगता है, इसलिए टू लगाएंगे साथ में, ही हैज़ टू वर्क भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या डू वर्क भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, डू वर्क, ही हैज़ टू डू वर्क, उसे काम करना है, उसे काम करना पड़ता है या उसे काम करना होता है, तीनों का इंग्लिश हम ऐसे ही बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके के सेंटेंसेस को हम हैज़ टू और हैव टू लगाकर बनाते हैं। ये काफ़ी इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे हम किसी से भी बोलते हैं, यार मुझे खाना खाना है, मुझे बाज़ार जाना है, तुमको कल मेरे घर आना है, हाँ, इस तरह से हम बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंस रोज़ के रोज़ यूज़ होते ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं जहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू लगाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। ओके फ्रेंड्स, एक दिन प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपकी ट्रांसलेशन बनाने की। ओके फ्रेंड्स, सो अभी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है। ओके फ्रेंड्स,
अभी हम बोलचाल के समय में हम वहाँ पर भाव को समझकर बोलते हैं। हिंदी में हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही तरीका होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, तो इसका हम बनाएंगे आई हैव टू गो। उन लोगों को काम करना है, दे हैव टू डू वर्क। तुम्हारे भाई को स्कूल जाना है, योर ब्रदर हैज़ टू गो टू स्कूल। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। राहुल को नहाना है, राहुल हैज़ टू टेक बाथ। तुम्हारे दोस्त को किताब पढ़नी है, योर फ्रेंड हैज़ टू रीड बुक। तुम्हें यह कविता याद करनी है, यू हैव टू लर्न दिस पोयम। तुम्हें दवाई नियमित लेना है, यानी कि खाना है, यू हैव टू टेक मेडिसिन रेगुलर। हम लोगों को ये मैच जीतना है, वी हैव टू विन दिस मैच। हम लोगों को किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना है, वी हैव टू विन दिस मैच एट एनी कॉस्ट। सभी लोगों को यहाँ से जाना है, एवरीबडी हैज़ टू गो फ्रॉम हियर। तुम्हें मेरे साथ आना है, यू हैव टू कम विद मी। तुम्हें मेरे साथ साथ चलना है, यू हैव टू वॉक अलॉन्ग विथ मी। उन लोगों को नदी पार करनी है, दे हैव टू क्रॉस द रिवर। तुम्हें उस पेड़ को काटना है, यू हैव टू कट दैट ट्री। मुझे यह बाल्टी भरनी है, आई हैव टू फिल दिस बकेट। तुम्हें इस बाल्टी को दूध से भरना है, यू हैव टू फिल दिस बकेट विथ मिल्क। आपको 10 मिनट में अपना काम समाप्त करना है, यू हैव टू फिनिश योर वर्क इन 10 मिनट्स। मुझे 10 मिनट में वहाँ पहुँचना है, आई हैव टू रीच देयर इन 10 मिनट्स। आपको कल मेरे घर आना है, यू हैव टू कम टू माई हाउस टुमारो। तुम्हें उसके साथ खेलना है, यू हैव टू प्ले विथ हिम। हमें सिर्फ शाम को खेलना है, वी हैव टू प्ले इन इवनिंग ओनली। तुम्हें दरवाज़ा खोलना है, यू हैव टू ओपन द डोर। हमें कुछ करना है, वी हैव टू डू समथिंग। आपको कुछ कहना है, यू हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ बताना है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ आपको दिखाना है, आई हैव टू शो यू समथिंग। तुम्हें कुछ कुर्सियाँ लानी है, यू हैव टू ब्रिंग सम चेयर्स। तुम्हें यहाँ खड्डा खोदना है, यू हैव टू डिग पिट हियर। हमें आज पार्टी मनाना है, वी हैव टू सेलिब्रेट पार्टी टुडे। तुम्हें उसके साथ खुशी से जीना है, यू हैव टू लिव विथ हिम हैप्पीली। तुम्हें आराम करना है, यू हैव टू टेक रेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि इतने सारे सेंटेंसेज आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत है। ये तो मैंने किया है प्रैक्टिस आपके सामने, ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेज में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, इस तरह का वे आपको किसी भी चैनल पर शायद ही मिलेगा कि इतने सारे प्रैक्टिस करवाए, फिर होमवर्क भी दे, फिर अगले नेक्स्ट में उसका नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर भी बताए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वे है सीखने के लिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा वे है, और यही एक वे है जिससे आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए वैसे लोगों तक जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।